हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए उनको हम डेली की तरह यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ऑनलाइन आ सकें। तो सभी बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहली बार कॉमनवेल्थ खेल 1930 के दौरान खेले गए थे, कहाँ खेले गए थे, ये आपको लोकेशन बतानी है उसकी। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स वर प्लेड ड्यूरिंग 1930 इन कौन सी कंट्री के अंदर खेले गए थे, बताना है। बताइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे। कॉमनवेल्थ से पहले इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, ठीक है। तो पहले इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, उसके बाद 1930 में इनका नेम चेंज होके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, और ये ऑर्गेनाइज हुए थे ओंटेरियो में। ओंटेरियो कहाँ पे है, तो ये है कनाडा के अंदर। आंसर हम लेंगे बी कि फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कहाँ पे हुए थे, कनाडा के शहर ओंटेरियो में हुए थे। आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखो, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर शिरा और स्नायु क्या है। टेंडन्स और लिगामेंट्स किस प्रकार के ऊतक होते हैं, कनेक्टिव, मस्कुलर, एपिथेलियल या स्केलेटल। राइट आंसर देना है। टेंडन्स और लिगामेंट्स का काम क्या होता है, देखिए टेंडन्स का काम देखिए, पहले टेंडन्स क्या करते हैं, मसल से को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, जो भी आपकी मांसपेशियां है उनको हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं टेंडन्स। लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है लिगामेंट। तो दोनों ही टाइप के जो आपको ये दिए गए हैं, ये किसके एग्जाम्पल हम लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हम लेंगे, संयोजी ऊतक होगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, टेंडन्स जो है मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, रणजी ट्रॉफी किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन से खेल में जो विनिंग टीम होती है उसको रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये पूछा गया है। रणजी ट्रॉफी काफी एक फेमस ट्रॉफी है, सभी ने हमने नाम सुना है इसका। रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, ऑप्शन सी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे, ठीक है। क्रिकेट के साथ देखिए, क्रिकेट के फील्ड से जुड़ी हुई जितने भी ट्रॉफीज है, कप है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत ही एक कॉमन गेम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ, जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, ये बहुत ही कॉमन गेम्स होते हैं। तो एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है। तो जैसे क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी कप हैं वो सारे कप मैं आपको लिख रही हूँ। पहला कप आपको याद रखना है एशेज कप, इसके बाद एशिया कप भी क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, फिर आपको याद करना है सी के नायडू ट्रॉफी, इसके बाद आपको देवधर ट्रॉफी याद करना है, और दलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित है। नेक्स्ट आपको याद करना है आईसीसी वर्ल्ड कप, तो सभी को पता होगा आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आपको ईरानी ट्रॉफी याद करनी है, ईरानी ट्रॉफी के बाद सहारा कप, ये भी क्रिकेट के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट आपको विल्स ट्रॉफी याद रखनी है, ट्रॉफी का मैं सामने टी लिख रही हूँ, जिनके सामने कप है उनका मैं सी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सहारा कप, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और बाकी कप है, ठीक है। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट के फील्ड में ही दी जाती है। विल्स ट्रॉफी हो गया, सहारा कप, ईरानी कप, ठीक है, एक जिलेट कप भी दिया जाता है, जिलेट कप। तो ये सारे जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए जो ऑप्शंस हैं, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, इन सबके भी जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन से गेम है। अगला क्वेश्चन है, जो आमतौर पर आयरन मैन के रूप में जाना जाता है, हु इज कॉमनली नोन एज द आयरन मैन। सभी को पता होगा आयरन मैन जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है। आंसर हम लेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फेमस टूरिस्ट सेंटर महाबलीपुरम इज लोकेटेड नियर, प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किसके पास स्थित है, बताना है आपको। महाबलीपुरम किसके लिए फेमस है, यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स पाए जाते हैं, मतलब चट्टानों को काट के जो मंदिर बनाए गए हैं उसके लिए महाबलीपुरम काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, अर्जुन रथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये प्रसिद्ध केंद्र होते हैं टूरिस्ट के लिए। द्रौपदी रथ भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है।
तो महाबलीपुरम बेसिकली रोक कट टेम्पल्स के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये फेमस टूरिस्ट सेंटर है, ये कहाँ पे है ये बताना था। तो ये लोकेटेड है चेन्नई में, तो ऑप्शन सी हम इसके लिए राइट आंसर लेंगे, चेन्नई। ठीक है, ये आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, मैप के अंदर भी चेन्नई का आप देख सकते हैं। गंगूबाई हंगल को कहा जाता है, गंगूबाई हंगल इज नोन एज, गंगूबाई हंगल किस चीज़ के लिए फेमस है ये आपको बताना है। पेंटर है, डिज़ाइनर है, म्यूजिक के लिए फेमस है, डांसर है, ये बताना है आपको। आंसर होगा ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़ी हुई थी, तो आंसर है इसके लिए हमारा शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक, ऑप्शन ए हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। हिंदुस्तानी म्यूजिक के फील्ड में काफ़ी फेमस है। केप कैनावेरल वह स्थान जहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं के तट पर स्थित है। केप कैनावेरल द साइट फ्रॉम विच स्पेस शटल्स आर लॉन्च इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ, बताना है आपको केप कैनेवरल कौन से देश में लोकेटेड है, या जो साइट है जहाँ से स्पेस शटल्स को लॉन्च किया जाता है ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन बताना है। ये लोकेटेड है अटलांटिक कोस्ट पे, फ्लोरिडा, ऑप्शन ए हम इसके लिए सही आंसर लेंगे, फ्लोरिडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, लायन लेपर्ड एंड टाइगर आर ऑल स्पीशीज ऑफ विच जीनस, शेर चीता और टाइगर ये सभी स्पीशीज किस वंश में आती हैं। स्पीशीज अलग अलग है, देखिए प्रजातियाँ डिफरेंट हैं लेकिन इनका जो जीनस है वो कॉमन है। ठीक है, तो जीनस इन तीनों का है पैंथरा, आंसर हम लेंगे ऑप्शन बी, पैंथरा इन तीनों का जीनस है लेकिन इनकी जो स्पीशीज है वो अलग अलग होती है। जैसे सोलेनम का एग्जाम्पल हो, सोलेनम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, सोलेनम में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि टोमेटो और पोटैटो दो अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन इनका जीनस सेम है, इन दोनों का जीनस क्या है, तो सोलेनम इन दोनों का जीनस है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड, एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। एक एसिड और बेस जब मिलता है तो ये एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं, या कहें तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, इफेक्ट को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इन दोनों का असर न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिसलाइनेशन की बात करें, डिसलाइनेशन मतलब विलवी लवणीकरण, मतलब सॉल्ट का हटाना, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट है, नमक की मात्रा है, उसको अगर आप रिमूव कर देते हैं पानी से तो आपको कैसा वाटर मिलेगा, तो हमें फ्रेश वाटर वहाँ से मिल जाता है। तो इस प्रकार की कोई एक ऐसी प्रोसेस जिससे आप फ्रेश वाटर प्राप्त करते हैं और सॉल्ट को, नमक की मात्रा को आप हटा देते हैं पानी से, उस प्रोसेस को हम डिसलाइनेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स का बनना, ये आप समझ ही सकते हैं। अब आओ, सब्लिमेशन क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा मैटर की तीन स्टेट होती है, पहली होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैस। कोई भी चीज़ इन तीनों ही स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड को जब आप हीट करते हो, सॉलिड का एग्जांपल ले लो आइस, बर्फ को आप हीट करोगे तो बर्फ किस में चेंज होती है, पानी में बदल जाती है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या मेल्टिंग की प्रोसेस कहते हैं। अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना, भाप बनना, वेपर्स बनना, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो कभी अगर ऐसा हो जाए कि सॉलिड से डायरेक्ट ही वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब लिक्विड ना आए, सीधा गैस में बदल जाए सॉलिड से, जैसे आपने कपूर वगैरह कपड़ों में जो रखे होते हैं, कपूर क्या होता है सॉलिड में, आप उनकी गोलियां रखते हैं कपड़ों के अंदर और वो सीधा गैस गैस बन के उड़ जाते हैं, इस प्रकार के जो प्रोसेस होती है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड का सीधा गैस में कन्वर्ट होना इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट है, उसका चुनाव करना है। ठीक है, चलिए आपको देखना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसका चुनाव आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपको चलिए स्टेटमेंट देखिए, साउंड का इश्यू आ रहा है आई थिंक। काफी बच्चे कह रहे हैं मैम साउंड सही नहीं आ रहा है, चलिए अब बताइए साउंड सही है, हो गया है, तो इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं आगे।
बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। साउंड अगर ठीक हो गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं, उस स्टेटमेंट का यहाँ पे चूज करना है जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट है। आपका ऑथर दिए गए हैं, ऑथर के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखी हुई नॉवल दी गई है। आपको ये बताना है कि जो ये ऑथर की जो नॉवल है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। आपको सही स्टेटमेंट यहाँ से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, पहली नॉवल आपके सामने दी गई है डॉजर्स, डॉजर्स के लेखक बताए गए हैं डॉन विंसलो। दूसरे ऑप्शन में आपको, सेकंड ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में बताना था कि जो ऑथर है उनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स हैं तो वो मैच करती है या नहीं करती, वहाँ से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है, ये बताना था आपको। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड है कि जो एक नॉवेल दी गई है 40 थीव्स, वो लिखी गई है बिल बेवरली के द्वारा, क्या ये सही स्टेटमेंट है, ये भी देखना है। थर्ड ऑप्शन है द करेक्शन, ये जो नॉवल है थॉमस पेरी के द्वारा लिखी गई है, क्या ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तो हमें यही जो है चीज़ यहाँ से देखनी है, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट को फर्स्ट की बात करें हम, जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है वो ये है कि जो डॉजर्स नॉवल है ये बिल बेवरली के द्वारा लिखी गई है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल गलत हो गया है। क्या यही हमारा आंसर है? नहीं, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऑप्शन बी और सी को भी हमें देखना पड़ेगा। 40 थीम्स लिखी गई है थॉमस पेरी के द्वारा, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ से गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट दी करेक्शन लिखी गई है, ये लिखी गई है जोनाथन के द्वारा, ठीक है, जोनाथन फ्रेंजन। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं, तो आंसर हमारा क्लियरली डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है हमें गलत दी गई हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब वीडियो सही स्मूथली काम करेगी, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं सभी बच्चे और वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सोल का उदाहरण है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का इनमें से एग्जाम्पल होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सॉरी, यहाँ पे सॉलिड सोल पूछा है ना, मुझे एंट एसिड वाला क्वेश्चन याद रहा। इतने सारे क्वेश्चन करवाते हैं दिन के, तो सारे आंसर जो कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। देखिए, सॉलिड सोल का इसमें से एग्जाम्पल होगा कलर्ड जेम स्टोन्स। ऑप्शन सी हम सही आंसर लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो लिक्विड होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता था हमारा। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है यहाँ पे कलर्ड जेम स्टोन, यहाँ पे हम सही आंसर लेंगे, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है MgOH2। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये किसमें काम आता है, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, या पेट में गैस बन जाती है, तो उस वक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है ताकि आपकी एसिडिटी जो है वो ठीक हो सके, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, सॉरी ये टू यहाँ नहीं आएगा, बाहर आएगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो आपके एसिडिटी के अंदर दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये है, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू विच पास। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ले को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1A की बात करें तो इसके अंदर जो पास लोकेटेड है वो है जोजिला। जोजिला पास क्या करता है, ले टू कश्मीर वैली को जोड़ता है, ले से कश्मीर को जोड़ता है। तो आंसर होगा हमारा बी, इसके लिए हम राइट आंसर ले लेंगे। इसके साथ साथ ये क्या करता है, कश्मीर वैली को द्रास वैली से अलग करता है, ठीक है, दोनों ही ये इसके काम है, कश्मीर वैली को सेपरेट करता है द्रास वैली से। तो ये भी इस दर्रे की विशेषता है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे किसी भी प्रकार से देखे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक नेशनल हाईवे और ये और याद रखना, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। तो ये भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, नेशनल हाईवे 44, सबसे लॉन्गेस्ट की बात करें हम, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे भारत के अंदर है नेशनल हाईवे 44। तो श्रीनगर से होता हुआ कन्याकुमारी तक पूरा इसका एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स। वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है।
आपके जो व्हीकल्स होते हैं उसमें साइड में जो मिरर लगा होता है उसके अंदर पूछा गया है कौन सा मिरर यूज़ होता है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा तो ही हम इसको पढ़ेंगे, या आपके डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप किसी को बता सके और उन्हें लगे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। तो देखिए जो आपके व्हीकल्स के साइड मिरर होते हैं ठीक है, उन पे कौन सा मिरर लगा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये आप घर पे जाके आज बताइए किसी को कि आपको पता है हमारे जो व्हीकल्स के साइड में मिरर होता है वहाँ पे कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर के और यूज़ क्या क्या होते हैं, देखिए इसके और क्या क्या यूज़ हम लेंगे। सनग्लासेस जो आप पहनते हैं वहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ होता है। बिल्डिंग्स के अंदर जो मिरर लगे होते हैं वहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसका यूज़ होता है। तो तीनों ही यूज़ इसके इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा देखिए, जो आपने ये मिरर लगे होते हैं तो ये इमेज कितनी बड़ी होगी, आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी इमेज होगी, कोई भी गाड़ी है या कोई भी ये टावर है, लेकिन ये छोटा सा मिरर होता है, इस मिरर में वो बड़ी इमेज आपको, इतनी बड़ी हाइट की इमेज आपको इतनी छोटी सी नज़र आती है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बड़ी इमेज को कॉन्वेक्स मिरर एक छोटी इमेज करके आपको दिखाता है। इससे ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग की प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, क्या दूसरा नाम दिया जाता है प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड का बनना, ठोस पदार्थ से जैसे आइस बर्फ जब पिघल जाती है तो लिक्विड में बदल जाती है, सॉलिड से लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है। और मेल्टिंग को ही हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन और मेल्टिंग रिएक्शन दोनों एक ही बात है। आंसर होगा हमारा ए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है रस्टिंग की प्रोसेस से बचाना ठीक है, जंग लगना बचाना किससे, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है लोहे के ऊपर जिससे जंग लगने से इसको बचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दी हंगरी टाइड के लेखक कौन है, एक बुक है दी हंगरी टाइड, ये बुक के लेखक कौन है बताना है। तो इंडियन ओरिजिन की ये ऑथर है, भारतीय मूल की लेखक लेखिका है। तो आंसर होगा इसके लिए दी हंगरी टाइड बुक लिखी गई है अमिताव घोष के द्वारा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे बताना है आपको। उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति होगा, आंसर होगा इस्लाम करीमोव। ऑप्शन सी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। 1991 में उज्बेकिस्तान बना था, उसी वक्त इसके जो पहले राष्ट्रपति थे वो है इस्लाम करीमोव। ऑप्शन सी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। जो वोटिंग वहाँ पे हुई थी उस वोटिंग में 86% वोट इन्हें मिले थे, इतने बड़े अमाउंट में वोट्स इन्होंने हासिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो मैल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, नव मल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नियो मल्थुसियन थ्योरी का मतलब क्या होता है, इस थ्योरी के अंदर क्या दिया गया था। ये 1877 में ये थ्योरी आई थी, इस थ्योरी को दिया था सैमुअल वैन ने। इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी के अंदर, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को बताया था कि बर्थ कंट्रोल के मेथड्स क्या क्या होने चाहिए, आप कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे मेथड इन्होंने बताए थे ताकि जितने भी संसाधन हैं उनकी कमी ना हो सके। तो संसाधन की कमी इसके लिए हम सही आंसर लेंगे, क्योंकि इन्होंने बर्थ कंट्रोल मेथड्स बताए थे और ये बताया था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि जितने भी संसाधन हैं उनका जो है वो कमी ना हो, सब लोगों को बराबर मात्रा में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोडरमल वॉज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। टोडरमल जो है ये नवरत्न में से एक थे, तो आंसर होगा नवरत्न के लिए अकबर, अकबर के काल में ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। ऑप्शन सी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। अकबर ने एक प्रथा भी, एक प्रणाली भी स्टार्ट की थी जिसका नाम है मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रोवर्स कप का संबंध कौन से खेल से है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप के साथ साथ आपको याद रखना है डुरंड कप। देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिछले क्रिकेट का क्वेश्चन आया था तो मैंने सारे कप और ट्रॉफी आपको बता दी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको गलत ना हो, स्किप ना हो ठीक है। रोवर्स कप क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वैसे भी बहुत कम टाइम बचा हो, मटेरियल इतना होता है पढ़ने के लिए कि हमें पता नहीं लगता कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कम समय में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है,
इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं ताकि आपका हर एक फील्ड से आपका रिवीजन हो सके। कोई जैसे टॉपिक अगर आपने छोड़ दिया है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप यहाँ पे उसको समझ के कर सकते हैं। डूरंड कप की बात करते हैं तो संबंध होगा, पहले आंसर बता देती हूँ, आंसर होगा यहाँ पे फुटबॉल, ऑप्शन ए हम यहाँ पे सही आंसर लेंगे 19th के लिए। रोवर्स कप हुआ, रोवर्स कप के साथ मैड्रेका कप आपको याद रखना है, मैडेका कप, इसके साथ साथ डूरंड कप हो गया, फीफा वर्ल्ड कप सभी को पता होगा फुटबॉल से संबंधित है, कलिंगा कप बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा कप ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी आपको याद रखनी है, संतोष ट्रॉफी, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कप है, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, सीजर कप, इसके साथ साथ आपको विट्टल ट्रॉफी भी याद रखनी है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, एज अगेंस्ट ओट्स इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन, एज अगेंस्ट ओट्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है बताना है आपको, ये है सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये देखिए एज अगेंस्ट ओट्स। प्रतिजन क्या है, एन एंटीजन इज, एंटीजन क्या होता है आइए समझते हैं इसको, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी होती है, जैसे आपको कोई भी डिजीज होती है, तो उसके लिए आपकी बॉडी के अंदर पहले जो कोजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से आपको बीमारी होती है उसे आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इसे हम कहते हैं एंटीजन, कि बाहर से कोई एंटीजन आया है आपकी बॉडी में प्रवेश करना चाहता है जिससे आपको बीमारी होने वाली है। अब इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ इस प्रकार से एंटीबॉडीज रिलीज करती है, जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे एंटीबॉडीज कहा जाता है, ये क्या होती हैं एंटीबॉडीज, ये करती क्या है, ये जो एंटीजन बाहर से आपके शरीर में आया है इसे ख़त्म कर देती है, कैसे करती हैं, मान लो ये एंटीजन है जो बाहर से आया है, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है और ये धीरे धीरे इसको करके खा जाती हैं, इस प्रकार से जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया है वो जो है ख़त्म हो जाता है, तो आंसर हम इसके लिए लेंगे ऑप्शन सी, हम इसके लिए सही आंसर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से किसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ऐसी फिश का नाम है गैम्बूजिया, गैम्बूजिया फिश क्या करती है, ये जो मॉस्क्यूटो है उसका लार्वा को खा जाती है जिससे और मॉस्क्यूटो जो है बन नहीं पाते, तो गैम्बूजिया फिश का यूज़ किया जाता है मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए इस प्रकार से फिश नजर आती है, लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, तिलचट्टा के लार्वा को क्या कहा जाता है, कॉकरोच के लार्वा का नाम क्या होता है बताना है, आंसर होगा निम्फ होता है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, कोई भी एनिमल हो, उसकी लाइफ जो साइकिल होती है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि पहले एग होता है, अंडा बनता है, अंडा जब देते हैं उसके बाद निम्फ बनता है, निम्फ के बाद इसमें एडल्ट बनता है। अब देखो जो ये वाली स्टेज है सेकंड वाली, तो ये लार्वल स्टेज है, इस स्टेज में लार्वा बनता है, तो लार्वा जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के लार्वा को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि निम्फ, निम्फ कहा जाता है कॉकरोच के लार्वा को, ऐसे ही अगर हम कैटरपिलर की बात करें, मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, कैटरपिलर जो है ये किसका लार्वा होता है, झींगा, तो बटरफ्लाई के तितली के लार्वा को हम झींगा कहते हैं, कीड़ा की बात करें मैगट, तो मैगट्स जो है वो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, हाउस फ्लाई, ग्रब की बात करें तो बीटल जो होती हैं बीटल, साथ में हनी बी, इनके लार्वा को हम ग्रब कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो एग, पहले एग बनता है, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद एडल्ट बनता है, तो देखिए अंडे सब में सेम होते हैं, जो एग गिविंग प्रोसेस होती है वो सब में सेम होती है, एडल्ट की प्रोसेस जो जैसा एडल्ट होगा वैसा ही बनेगा, लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है वो इस प्रकार से डिफरेंट होती है, तो अलग अलग एनिमल्स की सॉरी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लार्वा को अलग अलग नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रसायनों के मिश्रण का एक्सपोजर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक रसायन के लिए एक्सपो के प्रभाव के आधार पर अपेक्षा से अधिक है, इसे किस रूप में जाना जाता है बताना है, इस एक्सपोजर को हम क्या कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, कोई भी आपके पास मान लीजिए केमिकल सब्सटेंस है, आप उसको यूज़ किया तो उसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं, कुछ ख़राब उसके प्रभाव पड़ते हैं, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट मान लीजिए आपको पता है कि इसके जो एसिड होता है उससे ये इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उसके इफेक्ट जो है प्रभाव है वो आपने सोचे भी नहीं होंगे, उससे ज़्यादा उसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार की हम प्रोसेस को कहते हैं सहकारिता, सिनर्जियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, फिल्टर ओवर विच सीवेज इज स्प्रिंकल्ड इज कॉल्ड एज, जिसे सीवेज पर छिड़काव किया जाता है उस फिल्टर को क्या कहा जाता है? उस फिल्टर को हम कहते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, रिसाव फिल्टर कहते हैं। ये एक प्रकार का, देखिए, थोड़ा सा मोटा सा स्टोनी टाइप का, जैसे पत्थर टाइप का ढक दिया जाता है, ताकि जिससे जो सीवेज है उससे पानी बाहर ना निकले, तो ट्रिकलिंग फिल्टर इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, यदि दूध से मलाई हटा दी जाए तो इसका घनत्व कैसा होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। जितना अधिक मास होगा उतनी अधिक उसकी डेंसिटी होती है। तो इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम आ मिल्क, आपको एक ऐसा मिल्क दिया है जिसमें क्रीम है, तो इसका मास कैसा होगा? ज़्यादा होगा, हाइयर मास का होगा। लेकिन अगर उसमें से क्रीम निकाल दो, आपने यहाँ से क्रीम निकाल दिया, यहाँ पे सिर्फ मिल्क बच गया है, तो इसका मास कैसा होगा? इसका मास इसके कंपैरिजन में कम होगा, लेस होगा। तो अब हमें डेंसिटी बतानी है कि जो सेकंड केस हमने ये लिया है इसमें डेंसिटी कैसी होगी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेनियोलॉजी इज कॉल्ड, किसकी अध्ययन को हम एरेनियोलॉजी कहते हैं? एरेनियोलॉजी होता है मकड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन डी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे, एरेनियोलॉजी। माइट्स के अध्ययन को हम कहते हैं अकैरोलॉजी, क्या कहते हैं? अकैरोलॉजी। और रियरिंग ऑफ बीज, हम बीज के अध्ययन को मधुपाल जो एपिकल्चर कहते हैं, रियरिंग ऑफ बीज को एपिकल्चर। अगर हम बीज की स्टडी करना चाहते हैं, बीज के अध्ययन को, मधुमक्खियों के अध्ययन को हम कहते हैं मेलिटोलॉजी, क्या कहते हैं? मेलिटोलॉजी। और मधुमक्खियों के पालन को हम एपिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान से में हर्मटन हवाएं कैसे बहती हैं? हर्मटन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम ए, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है। तो अफ्रीका के अंदर जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लू चलती है गर्मियों के टाइम पे, वैसे ही हर्मटन हवाएं चलती है सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर गर्मियों के टाइम पे। तो इनकी डायरेक्शन पूछा गया है कैसी होती है, इनकी डायरेक्शन होती है ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। नवंबर से ही ये शुरू हो जाती है, नवंबर से लेकर मार्च तक ये हवाएं चलती हैं। ये काफी ड्राई होती है, शुष्क होती है और धूल से भरी होती है, डस्टी हवाएं होती हैं। अ साउथ राजस्थानी ट्राइब अर्निंग इट्स लिविंग बाय सॉन्ग एंड डांस इज, गीत और नृत्य से अपनी आजीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थानी जनजाति कौन है? राजस्थान में जो जनजाति है उसका नाम है गरासिया, ऑप्शन डी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे। इसके साथ साथ एक और फेमस जाति पाई जाती है राजस्थान में, जो है कालबेलिया। कालबेलिया जो है ये स्नेक डांस के लिए काफी फेमस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कालबेलिया राजस्थान में ही कालबेलिया डांस के लिए फेमस है। हरमन होलेरिथ हैज परफेक्टेड हिज टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड अ मशीन इज कॉल्ड, हरमन होलेरिथ ने अपनी सारणी प्रणाली सिद्ध की और एक मशीन विकसित की जिसका नाम है, उन्होंने जो मशीन विकसित की है उसका नाम है टेबुलेटिंग इंजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्सेनिक प्रॉब्लम इन इंडिया इज प्राइमरीली ड्यू टू, भारत में आर्सेनिक की समस्या का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक की प्रॉब्लम का मेन कारण भारत के अंदर क्या है? ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ कोल इन बिहार एंड बंगाल, ऑप्शन सी हम इसके लिए राइट आंसर लेंगे कि बंगाल, सॉरी ऑप्शन डी हम इसके लिए आंसर लेंगे। ठीक है, सी नहीं होगा, आंसर हमारा होगा डी कि ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का इन इफेक्टेड एरिया, जहाँ से आर्सेनिक की मात्रा पानी के अंदर बढ़ रही है, तो ऑप्शन डी हम इसके लिए राइट आंसर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमांसिंग विद लाइफ, रोमांसिंग विद लाइफ के ऑथर, देखिए ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो सभी जानते होंगे हम, ये है देव आनंद, देव आनंद की ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विद लाइफ। हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? हाइड्रोजन की खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने, इनका पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन की खोज की है। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वैसे भी बहुत कम टाइम है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मटेरियल इतना सारा होता है कि आप एक साथ इतना सब नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी टॉपिक में से जो आपको पढ़ना है, उसी टॉपिक में से आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, आपका टाइम भी कम लगेगा यहाँ पर, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।